रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास। नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से भारती क्लिनिक मोहाली की आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर उपेंद्र भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। तो जैसे बहुत से पिछले एपिसोड्स में डॉक्टर साहब ने दिखाया कि आयुर्वेद के द्वारा कैसे कैसे इन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया, अगर आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप वॉइस ऑफ एशियंस पे या भारती क्लिनिक मोहाली इस पे यूट्यूब पे देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या? देखिए, हमारे शरीर में जैसे हम जो भी खाते हैं भोजन और उसमें जो फैट हम अपने अंदर लेते हैं, जैसे कुछ फ्राइड्स लेते हैं या डेली रूटीन में जो भी भोजन में हम घी तेल की मात्रा लेते हैं, तो जो वो फैटी एसिड्स के बॉन्ड हैं, जो बैड वाले फैट्स हैं हमारे अंदर जो जमना शुरू हो जाते हैं, उनको हम कोलेस्ट्रॉल का वो रूप धारण कर लेते हैं और हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उससे कैसे पता लगता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ गए हैं, या उससे क्या शरीर को परेशानियाँ क्या आती हैं? देखिए, इसके कॉमन सिम्टम्स में आ जाता है जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, चलते हुए सांस का फूलना, और आपको पसीना अधिक आने लग जाता है इसमें, और साथ ही साथ आप अगर अपने ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, तो उसमें आपकी सारी कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बढ़ी हुई आती हैं, बैड फैट की। जी, कई लोग होते हैं कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वो कहता है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया तो अपनी रूटीन है, चलती रहे, भगवान ने एक बार जन्म दिया खाने पीने को तो खाते पीते रहे। तो अगर ये बढ़ जाता है, बंदा परवाह नहीं करता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो बैड फैट्स हैं, ये हमारी ब्लड के अंदर घुलकर हमारी नसों में जमना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, और हमारे हार्ट तक इसको नुकसान पहुंचता है, और मैक्सिमम देखा भी गया है कि जो मैक्सिमम हार्ट अटैक है वो आजकल जैसे वेदर चल रहा है, सर्दियों के वेदर में होते हैं, जैसे कि बाहर घी तेल जमना शुरू हो जाता है, वैसे ही इस वेदर में हमारे भी अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन तो करती है बॉडी, लेकिन फैट्स जो है वो जमने शुरू हो जाते हैं, और इससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स के होने की आशंका बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए डाइट वाइज, या क्या क्या चीजें डाइट में हमें ज्यादा लेनी चाहिए जिससे हमारे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ सके, या कैसे हम अपनी रूटीन को, डेली रूटीन को सेट करें? देखिए, प्रिकॉशंस में अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि देसी घी, जैसे कि कुछ लोग हैं कि देसी घी तो नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर का जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। देसी घी खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, कच्चा देसी घी, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आप फ्राइड जब खाते हो, तेल और घी को तल के जो बॉन्ड्स बन जाते हैं, फैटी एसिड्स के जो बॉन्ड बन जाते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो आप मैक्सिमम प्रिकॉशन कीजिए कि तली हुई चीजें ज्यादा मत खाएं और जंक फूड को अवॉइड करें। इसके साथ साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है आपका, तो आपको क्या खाना चाहिए उसके अंदर हम एडवाइस करते हैं। सबसे पहले तो हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कीजिए। हाई फाइबर डाइट में आ जाते हैं हमारे सैलड्स। आजकल तो सर्दी का मौसम है, जैसे आप जानते हो कि खूब सारे शलगम, गाजर तोहफे में मिलते हैं सर्दियों में, और वो बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं फाइबर, ये हम अपने अंदर लेके जाते हैं, तो वो ब्लड को प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिए पूरे दिन में आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली पानी पीजिए। जितना वाटर थेरेपी को अपनाएंगे आप, गर्म पानी लेंगे, उतना ही आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं जो वो अपने आप मेंटेन रहने लग जाएंगे। उसके साथ साथ तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कम से कम 40 मिनट की वॉक या फिर 40 मिनट का कुछ भी आप वर्कआउट जरूर कीजिए। फिजिकली जैसे कि नील होते जा रहे हैं हम लोग, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण है, और अगर हम वर्कआउट करते हैं मिनिमम 40 मिनट वंस अ डे, तो उसमें हेल्प आउट करता है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज हैं पूरे विश्व से ही, जैसे हमारे चैनल
वॉइस ऑफ एशियंस को इन दिनों मोर देन 50 कंट्रीज में देखा जा रहा है। तो बहुत से मरीज जो पंजाब में आए होते हैं तो वो आकर मिलना भी चाहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक डॉक्टर साहब सामने आके हम अपने टेस्ट ना करवा लें हमें तसल्ली नहीं है जी। तो मरीज आपको कहाँ मिल सकते हैं, किस फोन नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये भी प्लीज बताइए। हाँ जी, हमारा क्लिनिक है मोहाली में सेक्टर 125 में भारती क्लिनिक के नाम से। आप हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 9872660755। दूसरा नंबर है 9872622077। और इसके अलावा आप हमें YouTube पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और Google पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने स्पेशली आज हमारे सभी दर्शकों के साथ ये अनुभव साझा किया कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे नुकसान हो सकता है और कैसे अपनी जिंदगी को सेव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आज की डॉक्टर साहब की टॉक आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। डॉक्टर इतिंदर भारती ने आज आपको स्पेशली बताया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो आने वाले समय में ऐसी और भी आपको सेहत के लिए बहुत सी चीजें बताते रहेंगे। बस आपको करना क्या कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक नहीं किया। फिर मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, तब तक इस जानकारी को शेयर करके और भी मरीजों की जान जरूर बचाइएगा। मिलते हैं, नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास। रोजा।